हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमर और स्वागत है आप लोगों को एक और न्यू वीडियो में। चलिए देर नहीं करते हैं, पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना रिएक्शन तो रहेगा ही। मैं तो कह रहा हूं जितने लोग बाहर देख रहे हैं तुमसे मोटिवेशन होना चाहिए कि ये देखो 70 साल का आदमी 50 साल नहीं। अच्छा, 70 साल का आदमी से मोटिवेशन लेना चाहिए कि 70 साल का आदमी है फिर भी बिग बॉस में आ गए हैं, बिग बॉस में लड़ाई कर रहे हैं। इतना बड़ा मोटिवेशन तो भाई होना ही चाहिए, नहीं तो अरमान भाई अगर मोटिवेशन दे रहे हैं तो मोटिवेशन नहीं भी होना है तब भी मोटिवेट आदमी हो ही जाते हैं। 70 कहाँ से हो गया? 71 साल का आदमी देख रहे हो? 71 के पता? अरे बाप रे बाप, शिवानी को क्या हो गई, 71 के हैं। अच्छा 71 के नहीं, कितना 30 के होना चाहिए, 30 या 40 के? हम मम्मी कसम 50 साल के समझे। 71 अच्छा 50 साल के सोच रहे थे, कोई बात नहीं, आपका सोच जो है बहुत हद तक सही भी है कि अंकल जी 75 साल के नहीं है, 71 साल के नहीं है, 51 साल के ही है। 71 बड़ा कमीना है अरमान तू। अच्छा समझ गए, वाह भाई रणवीर भाई समझ गए, रणवीर भाई नहीं रणवीर अंकल जी समझ गए कि अरमान भाई बड़े कमीने नहीं है। भाई दो दो बीवी रखने का मतलब ये थोड़ी होता है कि कमीने हो जाते हैं, अच्छे लोग हैं। नहीं पता क्या कितने? अरे 51 का हूँ। 51 भाई 51 बताए सर थे। ये जो आप अच्छा हकीकत बता दिए, चलिए सलमान भाई से तो कम से कम छोटे ही है, सलमान भाई नहीं सलमान सर से तो छोटे ही है। दिन रही है एक्सपीरियंस है 20 साल का, इसको जोड़ो उसके अंदर एक बारी। नहीं 91। अच्छा यानी कि एज आपकी 51 साल एज है, उसमें 20 साल के एक्सपीरियंस जोड़ के, क्या मैथमेटिकल लॉजिक है अरमान भाई की? क्या अरमान भाई कौन से कॉलेज में ये मैथमेटिकल लॉजिक सीखे? यानी कि आदमी का एज है 51 साल, उसमें 20 साल का एक्सपीरियंस उसमें ऐड कीजिए। एक्सपीरियंस क्या है, पैदा होने से पहले से इसको एक्सपीरियंस है कि आने के बाद ही हुआ? कोई क्या है मेरे को लग रहा है किचन से निकलने की तुम्हारी इच्छा नहीं है अरमान। कौन निकलना चाहता है भाई? अरमान भाई को किचन में खाना बनाना बहुत ही जबरदस्त लगता है, तो कौन निकलना चाहेगा आप लोग बताइए दोस्तों, अरमान भाई को किचन से निकलना चाहिए? अगर निकलना चाहिए तो कमेंट कीजिए, नहीं निकलना चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि अरमान भाई किचन में जबरदस्त लजीज खाना बनाने में मशहूर हो चुके हैं बिग बॉस में। चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। नमस्कार।